Hey everyone, welcome back. हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक कोरियन लव स्टोरी जिसका नाम है चीज इन द ट्रैप। होंग एक ऑर्डिनरी लड़की है जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। वो पार्ट टाइम जॉब कर अपनी स्कूल और ट्यूशन की फीस भरती है। वहीं दूसरी तरफ जंग, जो कि एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, वो होंग का सीनियर है। वो हर एक एंगल से परफेक्ट है और वो एक ऐसा लड़का है जिसे सभी लड़की अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेंगी, पर होंग उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। लेकिन अचानक से एक दिन जंग आकर उससे बात करता है और यहाँ से होती है इनकी कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत में होंग अपने दोस्त बुरा को बता रही होती है कि जंग का बर्ताव कुछ चेंज हो गया है, यानी वो पिछले सेमेस्टर में तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था, पर आज वो मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आया। जिस बात पर बुरा कहती है, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो, कभी पॉजिटिव भी सोच लो, यानी यहाँ ये भी हो सकता है शायद वो तुम्हें पसंद करता हो। फिर हम देखते हैं कि सभी बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी जंग भी वहां पर आ जाता है। होंग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर उसका दोस्त सनबे उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त जंग है, तुमसे एक साल सीनियर है। ये देख होंग उठती है और उसे विश करती है, पर तभी हम देखते हैं एक लड़की वहां आई थी और वो जंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन तभी जंग ड्रिंक करके वहीं गिर जाता है और ये देख होंग को उसकी चिंता होने लगती है। वहीं फिर अगले सीन में जंग अपने फादर से बात कर रहा होता है और आज की सारी अपडेट वो उन्हें दे रहा था, लेकिन होंग भी वहां पर उसे छिप कर देख रही होती है। उसे लगता है कि उसका किसी साथ अफेयर चल रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एंड तभी उसे ये सब कुछ करता देख जंग उसे पकड़ लेता है। तभी होंग ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है और उनसे कहती है, जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ। और ये बात उनका चौथा दोस्त सनबाई सुन लेता है और जंग से पूछता है, तुम होंग को परेशान करते हो क्या? पर वो इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते जंग होंग को खाने के लिए पूछता है, पर होंग थोड़ा भाव खाती, पर इस बात पे होंग उस पर ध्यान नहीं देती, पर बाद में वो उसे हाँ कह देती है। खाते वक्त जंग होंग से पूछता है, क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता हूँ? पर होंग कहती है, नहीं, पर जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो थोड़ा नर्वस फील करती हूँ, और कुछ नहीं। फिर हम देखते हैं दोनों खा चुके थे और जंग वहाँ पे होंग के करीब जाता है। ये देख होंग को लग रहा था कि वो उससे किस करने वाला है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी होती है, वो तो उसे बाय कहने आया था। वही फिर हम देखते हैं कि एक बंदे ने अपने घर पे बहुत सारी लड़कियों की फोटो लगाई हुई थी एंड उसे देख लगता है कि ये कोई साइकोपैथ है, पर हमें इसका चेहरा दिखाया नहीं जाता। वही फिर हमें इन्हो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपनी बहन इन्हा से मिलने आया था, क्योंकि वो अकेली रहती है। इन्हा का घर बहुत ही आलीशान होता है, जैसे उसे ये घर उसके चेयरमैन ने दिया है। इन्हो वहां पर अपनी बहन से पूछता है कि तुम ऐसे आलीशान लाइफ में मत रहो, वरना बाद में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी जब तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं होगा। पर इन्हा को उसकी ये बात सुन बहुत बुरा लगता है और वो इन्हों की तरफ एक चाकू फेंक देती है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने जाता है। उनकी बीच लड़ाई शुरू हो जाती है एंड तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि एक बार एक लड़की इन्हा को बहुत मार रही थी और तभी उनके अंकल वहां पर आ जाते हैं एंड इन्हा अंकल से कहती है, हमें औरत रोज मारती है, प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ। एंड तभी हमें पता चलता है कि वो अंकल और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन है। जैसे उन दोनों भाई बहन के पेरेंट्स के मरने के बाद उन्हें इन्हीं अंकल ने अडॉप्ट कर लिया था एंड वो चेयरमैन दरअसल जंग के फादर है, पर इन्हों को चेयरमैन बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं इन्हों वापस चला जाता है। वह फिर अगले सीन में इन्हों भी यूनिवर्सिटी आ चुका था और वो एक लड़की से पूछता है जंग कहाँ है, तो वो लड़की उसे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो भी बहुत हैंडसम था, इसलिए उसका मुंह उसके सामने नहीं खुलता। एंड फिर वो देखता है कि जंग होंग के साथ बैठा हुआ है। वो जंग को किसी लड़की के साथ बैठा हुआ देख तो हैरान था और वो होंग का पीछा करता हुआ एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। होंग उसे पूछती है, तुम हो कौन? वो कहता है, जंग का दोस्त। वो उसे पूछता है, तुम्हारा क्या रिश्ता है जंग के साथ? वो कहती है, तुमसे क्या मतलब? पेनो होंग का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इस बात पे होंग उसे जोर का पंच मारती है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। वही फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में बैठकर खा रहे थे एंड इन्हों यहाँ पर सबसे अलग था, पूरी दुनिया एक हाथ से खाना खाती थी, पहनो दोनों हाथों का यूज करता था। ये देख होंग उसे पूछती है, तुम दोनों हाथों से क्यों खा रहे हो? वो अपने हाथों को दिखाते हुए कहता है कि जंग की वजह से, पर वो ये नहीं बताता कि उसके साथ हुआ क्या था। फिर एक दिन होंग और जंग दोनों बैठे खाना खा रहे होते हैं, तभी होंग पूछती है, मैं कल तुम्हारे दोस्त से मिली थी। वो पूछता वो कैसा दिखता था। वो कहती है, उसकी हाइट बहुत लंबी थी, उसकी आंखें थोड़ी निकली हुई थी। एंड वहां पर जंग समझ जाता है कि वो इन्हों की बात कर रही है, लेकिन वह सब प्रिटेंड करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। एंड वहां पर वो होंग से कहता है, वो जब भी तुमसे मिले तो उसे बात मत करना। फिर वो ये भी कहता है, तुम्हें याद है ना कल मैं प्रोजेक्ट के लिए मूवी देखने जाना है? वो कहती है, हाँ बिल्कुल।
नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जंग अपनी कार से कहीं जा रहे हैं। तभी उसके फादर को उसे फोन आता है और वो कहते हैं इन्हें हॉस्पिटल पे एडमिट है, तुम उससे मिलने जाओ। अब वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचते हैं एंड तब हमें पता चलता है कि ना बाथरूम में स्लिप हो गई थी, इसलिए उसकी कमर में जबरदस्त चोट लगी है। लेकिन वहाँ पर जंग को ये उन दोनों भाई बहनों का ड्रामा लग रहा होता है और उसे इस बात पर सुनाने जाता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे फादर के प्रोफेसर थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। पर मुझे ये देख बहुत अफसोस होता है कि तुम हर बार मेरे फादर की मदद क्यों लेते हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। पर इना जब कहती है ये फिर से हमारा मजाक बना के चला गया, तो ये देख इन्हों को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मानता हूँ कि तुम्हारे फादर ने हमारी मदद की, पर हमने कभी भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी। मेरे पास प्यार करने के लिए फादर है, पर हमारे पास तो कोई नहीं है। उसकी बात करते भी जंग कहता है मैं जल्दी ग्रेजुएट हो जाऊंगा और तुम्हें मेरे फादर को कोई भी तकलीफ देने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों नेक्स्ट डे मूवी देखने गए होते हैं एंड होंग ने थोड़ी छोटी ड्रेस पहनी थी, इसलिए उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इस बात को जंग समझ आता है और वो उसे अपना जैकेट पहना देता है। दोनों मूवी देखकर आ रहे होते हैं तभी होंग को बिल्डिंग के शीशे में कोई आदमी दिखता है और वो देखकर गिर जाती है। जंग वहाँ दिखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। वो उसे संभालता है और पूछता है तो मेरे साथ चलोगी मेरे घर? होंग कहती है बिल्कुल नहीं, पर फिर वो समझा कर कहती है प्लीज़ तू मुझे गलत मत समझना, पर इसके लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ। होंग फिर अपने घर आ जाती है पर मिरर को देख घबरा गई थी क्योंकि उसने फेस मास्क पहना हुआ था। नेक्स्ट डे वो दोनों इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बात सनबाई सुन लेता है और वो होंग से पूछता है तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, पर तभी तुम जंग के साथ हो। होंग पूछती है कौन है? जंग कहता है मैं जानता हूँ मैं ही तो हूँ। सभी ऐसे उन्हें एक शॉकिंग साउंड देते हैं क्योंकि किसी को इस बारे में नहीं पता था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करे हैं। दोनों कैंपस में बात कर रहे थे एंड तभी जंग पूछता है तुम क्या करना चाहोगी? वो कहती है क्या करना चाहिए हमें? जंग कहता है आज हमारी फर्स्ट डेट है, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। एंड इस बात पे उसका सारा मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि कपल अपनी पहली डेट में कहाँ कहाँ नहीं जाते, पर ये दोनों लाइब्रेरी जा रहे हैं। धीरे धीरे वो दोनों अपनी लव लाइफ में बहुत ही खुश रहने लगते हैं एंड दोनों साथ घूमते हैं, टॉयज खरीदते हैं, गन शॉट की प्रैक्टिस करते हैं और एकदम सब कुछ सही चल रहा था। वहीं फिर एक दिन होंग जब दुकान से कुछ खरीद रही होती है तभी उसे गैरी नाम के बंदे की आवाज़ सुनाई देती है और तभी हमें एक साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है। तभी वहाँ पर गैरी आता है जो कि बोरा का बॉयफ्रेंड था, यानी कि होंग की दोस्त। वो उससे कहता है बोरा तू मेरे मैसेजेस की रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी सिंसियरिटी मेरी तरफ बहुत कम हो गई है। बोरे उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही होती एंड ये गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक साइकोपैथ की तरह चिल्लाने लगता है। पर वो जैसे जंग को दिखता है वो डर कर माफ़ी मांगने लगता है। होंग फिर गैरी के पास जाती है और उसे समझाती है कि गलती तुम्हारी ही थी। एंड फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो गैरी पहले से ही होंग का वेट करा होता है और वो उसे कहता है तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? होंग जैसे तैसे अपना पीछा उससे छुड़वाने की कोशिश करती है और कहती है मुझे क्लास जाना है, जाने दो। पर गैरी कहता है तुम्हारी क्लास इस टाइम पर नहीं होती है, जिसमें होंग पूछती है तुमने अब तक लोगों को स्टॉक करने का काम नहीं छोड़ा। जैसे गैरी पहले भी होंग को स्टॉक करता था एंड आज वो होंग को मारने ही जा रहा होता है कि तभी इन्हों आकर उसे बचा लेता है। इसे देख गैरी फिर जंग से आकर मिलता है। अब वो यहाँ पर जंग को ब्लैकमेल करने के लिए आया था। गैरी कहता है तुमने गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, यानी उसे जरूर उस लास्ट ईयर वाले इंसिडेंट के बारे में पता होगा ना? फिर वो उसे अपने फोन दिखाते हुए कहता है क्या हो अगर मैं उसे सारी चैट्स भेज दूं? तुम्हारा तो रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बात पे जंग उसे डरता नहीं और कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, और इतना कहकर वो चला जाता है। फिर हमें एक अननोन लेडी दिखाई जाती है जो पब्लिक बाथरूम में जाती है, पर तभी पीछे से एक आदमी भी घुस जाता है और वो आदमी है रेड ब्रिक। रेड ब्रिक एक स्टॉकर है जो रात में लड़कियों को स्टॉक करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। फिर हमें इन्हा दिखाई जाती है जो अपने भाई इन्हों के घर आई थी एंड उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे इन्होंने कहा था। उसकी आलिशान जिंदगी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, पर इन्हा को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस सबसे चिंता नहीं करती और सीधा शॉपिंग करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होंग और बोरा मॉल में होते हैं जहाँ उन्हें शूज बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, पर तभी इन्हा वहाँ आती है और उन शूज को खरीद कर ले जाती है। इस बात पर बोरा कह रही थी कि शूज हमने पहले देखे थे इसलिए हम ये लेंगे, पर इन्हा को ये बहुत पसंद आई थी और वो कहती है तुम कोई और शूज ले लो। एंड इस बात पर उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है, लेकिन तभी इन्हों ये देख लेता है और इन्हा को अपने साथ ले जाता है। वही फिर हम देखते हैं इन्हों एक पियानो कॉन्सर्ट में पियानो बजा रहा था, पर तभी उसके हाथ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी और कुछ भी नहीं।
फिर हमें होंग और इनो दिखाए जाते हैं जो साथ में खाना खा रहे थे। एंड्री ट्रीट होंग को ना चाहते हुए भी उसे देनी पड़ती है क्योंकि उसकी वजह से इनो को चोट लग गई थी। लेकिन तभी वहां पर यू जंग आ जाता है और पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? होंग कहती है, मेरी वजह से इनो के नाक से खून निकलने लगी, इसलिए मुझे उसे ट्रीट देना पड़ा। लेकिन जैसे जंग और इनो एक दूसरे को देखते हैं, वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और इन्हें चुप करवाते हुए वो खुद बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट डे दोनों फिर मिलते हैं एंड होंग पूछती है, तुम हमेशा इनो से लड़ते क्यों और क्या तुम्हारी वजह से उसके हाथ पे चोट आई थी? जंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर पता नहीं क्यों इनो को ऐसा लगता है। जंग वहां पर अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में बताता है कि उसके पापा ने इन्हा और इनो को अडॉप्ट किया था। जब तक हम बहुत छोटे थे तब तक सब कुछ सही था, पर जब मैं मिडिल स्कूल में आया तो मेरे फादर हमेशा इन्हा और इनो से मेरी लाइफ के बारे में पूछते थे और वो दोनों मेरी सारी बातें उन्हें बता देते थे। अगर वो सच में मेरे दोस्त होते तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। एंड तब से हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। होंग को ये सब बताकर उसका मन हल्का हो गया था और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे गैरी होंग को मैसेज दिखाते हुए कहता है, यह है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का असली फेस। होंग फोन छीन लेती है और मैसेजेस पढ़ने लग जाती है। तभी वहां पर बोरा आ गई थी और गैरी को वो एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, हमेशा लोगों को स्टॉक करने के अलावा कोई और काम नहीं है। गैरी इस बात पर उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था कि जरूर वो उसे इस बेइज्जती का बदला लेगा। फिर हमें वो शख्स दिखाई देता है जिसने अपने घर पे सभी लड़कियों की फोटो लगा रखी थी। एंड तभी हमें उसका फेस दिखाया जाता है कि वो दरअसल गैरी था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। वहीं फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे से ही होंग और बोरा दोनों को अनजान नंबर से मैसेजेस आ रहे थे। एंड बोरा ये बात उसके बॉयफ्रेंड को बताती है। जब वो फोन चेक करता है तो उसे वेबसाइट पर होंग और बोरा के फोटोज के नीचे पीड गर्ल लिखा हुआ दिखता है। ये सब देखने के बाद सब साइबर सेल जाते हैं। एंड जंग को यकीन था कि ये काम गैरी नहीं किया होगा, इसलिए वो ऑफिसर उसको सारी बातें बता देता है। होंग अब कहीं भी जाती थी तो सब उसे गलत नजर से देखने लगते थे, पर इस वक्त जंग उसका साथ नहीं छोड़ता और हर एक पल वो उसके पास ही था। वहीं दूसरी तरफ बुरा जो अकेले कहीं जा रही थी, तभी उसे एक आदमी की परछाई दिखाई देती है और सीन वहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में जंग होंग को घर ड्रॉप करने जा रहा था कि तभी उन्हें रास्ते बोरा बैठी हुई दिखती है। जब होंग उसके पास जाती है तब वो देखती है कि बोरा के सिर से ब्लीडिंग हो रही है। उसे तुरंत वो लोग हॉस्पिटल लेकर आते हैं एंड होंग उसकी फ्रेंड की ये हालत देख नहीं पाती एंड वो तुरंत ही गैरी से मिलने जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था ये काम उसका ही होगा। वो वहां पर उस पर बहुत चिल्ला रही थी लेकिन गैरी को वहां पर अपने किए का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था। वो कहता है, अगर मारा भी तो क्या, तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं। फिर तुम इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? गैरी बोलकर होंग को धक्का दे देता है, पर तभी वहां पर इनो आ गया था। वो गैरी को एक जोरदार किक मारता है और कहता है, मैंने कहा था ना लड़कियों से दूर रहना और उन पर हाथ तो मत उठाना। ये बोलकर वो उसे बुरी तरह मारता है। नेक्स्ट डे गैरी क्लास में बैठकर होंग को सुनाने लग जाता है कि मुझे कल मारा गया था। और ये बात सुनकर गैरी की गर्लफ्रेंड होंग से कहती है कि तुम्हें गैरी से माफी मांगनी चाहिए, पर होंग रिफ्यूज कर देती है क्योंकि गलती गैरी की थी। फिर नेक्स्ट डे इना कॉलेज आई थी एंड वहां पर वो गैरी को मारने लगती है ये बोलकर कि तुमने मेरी फोटोज क्यों अपलोड की। फोटोज पे लड़कियों का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, इसलिए जंग ने इन्हा के साथ मिलकर गैरी को मारने का प्लान बनाया। फोटोज इन्हा की नहीं थी बल्कि गैरी की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड की थी। जैसे गैरी एक बहुत ही बुरा लड़का है जिसने अपने स्पेक्टिकल्स में एक कैमरा छुपाया हुआ है जिसे वो लड़कियों के साथ वाली वीडियो बनाता है, पर उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को ये बात पता नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि इन्हों एक आदमी को नोटिस करता है जो और कोई नहीं बल्कि रेड ब्रिक होता है। फिर जंग होंग को घर ड्रॉप करने आया हुआ था एंड होंग जब जा रही होती है तभी रेड ब्रिक पीछे से निकल जाता है जिसे जंग नोटिस नहीं कर पाता। तभी पीछे से इनो आता है और कहता है कि वो आदमी जो ब्लैक शर्ट में है उसे पकड़ो, वो रेड ब्रिक है, वो स्टॉकर। रेड ब्रिक होंग के साथ एलिवेटर में चढ़ चुका था और वहां पर वो उसे मारने की कोशिश करता है। उसके हाथों को जोर से कुचल देता है, पर तभी जंग वहां पर आ गया था और होंग को वो बचा लेता है। रेड ब्रिक वहां से भाग चुका होता है, पर तभी इनो वहां पर आ गया था और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। रेड ब्रिक इनो को अपने जाल में फंसा लेता है और उसे जोर से मारकर कहता है, तुम लोगों को इंस्ट्रक्ट करने का बहुत शौक है ना। लेकिन तभी इनो हंसने लगता है और रेड ब्रिक को कुछ समझ नहीं आता। वो पीछे मुड़कर देखता है कि रेड ब्रिक के पीछे जंग खड़ा हुआ है। हमेशा तो वो शांत रहता था लेकिन आज होंग के साथ जो हुआ ये देख जंग बिल्कुल शांत नहीं था और वो रेड ब्रिक को बुरी तरह मारता है। एंड जैसे उसने होंग के हाथों को कुचला था वो बिल्कुल रेड ब्रिक के साथ ऐसे ही करने वाला होता है। यही नहीं, वो उसे जान से मारने वाला था, पर तभी होंग वहां पर आ जाती है और जंग के स्ट्रॉन्ग साइड को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। तभी पुलिस भी वहां पर आ गई थी और रेड ब्रिक को पकड़ लिया जाता है।
अपडेट ब्रेक के चले जाने के बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और अब पहले से सब कुछ सही हो रहा था। पूरा बॉयफ्रेंड उसकी देखभाल करने आता है एंड वे हॉन्ग काफी ज्यादा परेशान थी चंग के नेचर को देख एंड वो उसे पर्सनली जाकर बात करती है। वो उसे कहती है, तुम्हारे मन में जो कुछ है तो मुझे वो सब कुछ सच सच बता सकते हो। एंड वहां पर हमें पता चलता है कि जंग दरअसल एक ऐसा बंदा है जो खुद से कोई भी काम बुरा नहीं करता, बल्कि वो अपने बिहाफ पर लोगों से बुरे काम करवाता था। एंड एक बार तो उसने गैरी से ही कहा होता है हॉन्ग को परेशान करने के लिए, पर ये बात बहुत पुरानी थी और गैरी इन्हीं चैट्स को दिखाकर जंग को ब्लैकमेल कर रहा था। इसी बात के लिए हॉन्ग उसे कन्फ्रंट करती है और जंग उसे सारा सच बता देता है। जंग कहता है, मैं पहले बहुत ही ज्यादा लगता पर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। इस बार मेरा प्यार सच्चा है, मेरी पहली गलतियों के लिए माफ कर दो। इन दोनों वहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं एंड वही दूसरी तरफ इन्हों को दिखाया जाता है जो शहर छोड़कर यहाँ से जा रहा था। पर तभी जंग उसे मैसेज कर उन प्रोफेसर का नंबर देता है जिससे वो पियानो सीख रहा था एंड इसलिए नो बस से उतर जाता है। और हम ये भी समझ पाते हैं कि इन्हों के हाथ पे जो चोट है वो कहीं ना कहीं जंग की वजह से ही है। जंग को हमेशा से लगता था कि वो दोनों भाई बहन उसके दुश्मन है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। इन्हों हमेशा से जंग को अपना दोस्त मानता था एंड जंग के फादर उन दोनों से हमेशा जंग के बारे में सारी अपडेट्स इसलिए लेते थे क्योंकि जंग एक बहुत ही वियर्ड बंदा था। वो कब क्या करता था कोई नहीं जान सकता। वहीं इन्हा भी अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। लास्ट सीन में हमें हॉन्ग और जंग को साथ में दिखाया जाता है। जंग पूरी रात काम करके सो गई थी एंड जंग आकर उसे कंबल उड़ा देते हैं, उसके हाथों को पकड़ लेती है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म की कहानी एक यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट्स के बारे में थी। इन्हा कैरी उसकी गर्लफ्रेंड, हॉन्ग जंग हॉन्ग की दोस्त पूरा उसका बॉयफ्रेंड एंड इन सभी का सेंटर पॉइंट था जंग, जो सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करता था। फिल्म में सीधे तौर पर तो नहीं बताया गया पर हम समझ सकते हैं कि जंग एक प्रकार से एक साइकोपैथ था एंड इसीलिए उसके फादर ने इन्हों और इन्हा से कह रखा था कि वो उन्हें लाकर उसकी सारी अपडेट्स दे, पर इस बात से नाराज होकर जंग ने उन दोनों के साथ ही इतना बुरा किया। लेकिन एट लास्ट अंत में हॉन्ग ने उसे रियलाइज कर पाया कि सही प्यार का मतलब क्या होता है। सो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।